जो तो कल के बाद आज का रिएक्शन आ सकता है होल्ड आउट कर रहा है बट मोर इंपॉर्टेंटली कल क्या हुआ क्योंकि ग्लोबली कुछ इतना खराब नहीं था पॉजिटिव ही थे हम क्यों इतना गिरे और अब क्या करना है कल का सेशन दीप एक आई ओपनर सेशन था अच्छा दो दिनों की तेजी के बाद कल हम अकेले गिरे डंग डांग से yes. पूरी दुनिया में जम के गिरे और गिरने में भी कोई दिक्कत नहीं किसी भी लेवल से हमने ढंग का सपोर्ट लिया नहीं करेक्ट और अगर कल के बाजार में आप पूरा कारण ढूंढने जाएंगे तो कारण सिर्फ एक है एफ आई की जबरदस्त बिकवाली कल की बिकवाली में कोई रिटेल का योगदान नहीं था कोई लोकल फंड्स का योगदान नहीं था किसी खबर का भी योगदान नहीं था और कोई ऐसा भी लेवल नहीं कि जहां से आप बिल्कुल ही जोर से घट जाए नो डाउट अठारह दो सौ जब सत्रह आठ से हम रिकवरी थी तो वो पहला टारगेट था था तीन चार दिनों से हम उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे नहीं हो पाए तैयलीस पांच को पार करने की कोशिश तीन चार दिनों से बैंक निफ्टी कर रहा था कुछ क्षण के लिए गया फिर गिर गया सो इम्पोर्ट so, पहला इंपोर्टेंट लेवल था लेकिन उस लेवल पे ऐसा डर नहीं कि आप एकदम से एक तरफा बिना रीजन के मतलब एक तो क्या होता है कि कोई खराब खबर है या ग्लोबल खराब हो रहा है एशिया गिरा पड़ा है तो अपने आप लोगों के मन में रहता है कि आप भी जो ध्यान रखो है बाहर ठीक नहीं है मामला सर करेक्ट या डाउ फ्यूचर बहुत घुस गए हो ऐसा कुछ नहीं और उसके बाद जब बिकवाली आती है तेज आती है किसी लेवल से सपोर्ट नहीं आता तो वो परेशान करने वाला होता है जो कल का सेशन था तो कल के सेशन में पूरी की पूरी तरह से एफआईस की जो बिकवाली हुई छब्बीस करोड़ की कैश में आंकड़ा जबकि दो दिन पहले सबसे छोटा आंकड़ा था दो सौ करोड़ का। बिल्कुल ठीक है छब्बीस सौ करोड़ के ही इंडेक्स, इंडेक्स फ्यूचर्स फ्यूचर्स और बाईस सौ करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स तो बड़े दिनों बाद डायरेक्शनल तौर पर लगभग सात हजार करोड़ की बिकवाली जो कि बड़ी है और आप अठारह एक सौ के नीचे अब वॉट नेक्स्ट करे तो क्या करें क्या करें कुछ नहीं ओके सिर्फ दो चीजों पर फोकस करना है सिर्फ दो चीजों में सत्रह आठ सौ नीचे अठारह तीन सौ ऊपर ठीक है क्लियर है क्लियर है पांच सौ पॉइंट अठारह तीन सौ के ऊपर बंद होगा निकलेगा टिकेगा बंद होगा तो फ्रेश और बड़ी तेजी सोचनी है सत्रह आठ सौ के नीचे जाकर बंद होगा तो फ्रेश और बड़ी आगे की कमजोरी मंदी सोचनी है सत्रह आठ सौ से अठारह तीन सौ रेंज में ये टाइम पास वाली जगह है आपको हमेशा कन्फ्यूज रखेगा अठारह तीन सौ के अठारह दो सौ पचास के नजदीक पहुंचेगा ऐसा लगेगा कि भागने को तैयार है सत्रह आठ सौ के आसपास आएगा ऐसा लगेगा कि दया काम से सत्रह आठ सौ को सत्रह सात सौ पचास सात सौ समझ लो ज्यादा बढ़िया सत्रह सात सौ अठारह तीन सौ रेंज पकड़ लो छह सौ पॉइंट सत्रह सात सौ अठारह तीन सौ कर लीजिए आठ सौ की जगह सौ कर लीजिए सत्रह सात सौ अठारह तीन सौ इस रेंज को अपने को ट्रेड करना है सिंपल इस रेंज में दोनों तरफ वोलेटाइल रह सकता है जब तक इस रेंज के किसी एक और बार ना निकले आप इसको वोलेटिलिटी के साथ इस ट्रेडिंग जोन में मान के चले ठीक है बस इस फॉर्मूले से चलिए अगर आपका व्यू तेजी का है तो सत्रह आठ सौ तक बायोन डिप्स का मार्केट है और आपका व्यू मंदी का है तो अठारह तीन तक सेल ऑन राइज का मार्केट है ओके आप अपने व्यू के हिसाब से ले, लेवल और रेंज तय अगर आप मंदी सोचते हैं तो आपको अठारह एक सौ पचास अठारह तीन सौ के रेंज में जब जब ऊपर मिले आपको बेच के ट्रेड करना है आप तेजी सोचते हैं तो सत्रह आठ सौ के आसपास सत्रह सात सौ के रेंज में जब जब मिले आपको डिप्स करके तेजी सोचना है बस सिंपल है इस रेंज में वोलेटिलिटी हो सकती है जब तक कि कोई नया और बड़ा ट्रिगर आपको ना मिले बस यही और, और कोई तरीका मेरे पास में नहीं है अगर किसी के पास में है तो आप अपने हिसाब से भी सोच कर कर सकते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये जनवरी का महीना है बजट के पहले का महीना है आमतौर पर जनवरी के महीने में हमने शुरुआत में ये कहा था कि ट्रेंड निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड है ही नहीं होगा तो हम बताएंगे नहीं है तो नहीं बता रहे हैं जी। और इसके अलावा मुझे और कोई इस तरीका समझ नहीं आ रहा है कि इस मार्केट को अप्रोच कैसे करें क्योंकि दो दिन आपको लगेगा तेजी हो रही है एक दिन में एकदम खाया पिया निकल जाता है वापस आपको लगता है अरे ये तो गया मार्केट घूम जाता है करेक्ट सो इसलिए इसको ट्रेड करने का यही तरीका सत्रह सात सौ सत्रह को आप समझो अच्छा सपोर्ट अठारह दो सौ अठारह सौ को समझो रुकावट की जगह और इस हिसाब से आप कर जिनको डर लगता है जिनको एक चीज जरूर कहूंगा जिनको पिछली बार सत्रह आठ सौ था, और जिनको लगा कि दुनिया लूट गई है और जिन्होंने जिस जिसकी ट्विटर पर ट्रोलिंग की किसी की भी क्यों हमारी नहीं किसी की भी क्यों उन लोगों को अपनी पोजिशन कम कर लेनी चाहिए राइट बिल्कुल अगर पिछली बार नहीं, नहीं की तो कम से कम अब की और एज ए डिसिप्लिन अठारह एक के नीचे बंद होना पहला संकेत है जो आपको ट्रेडिंग पोजीशन कम करने के लिए बोलता है बयालीस आठ सौ के नीचे अगर बैंक निफ्टी बंद होता है तो वहां पर भी आपको पहला संकेत मिल जाएगा कि आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन कम करनी चाहिए गॉड ठीक है तो चलिए यह है, आ रहा है। वैसे ट्रेडर्स के लिए मूड माहौल क्या है अभी बायोन डिप्स का है या थोड़ा सेलोन रैली करके रखे या फिर मूड तो आपको बनाना है अच्छा क्या आपको लेने का मन है कि बेचने का मन है बेचने का मन है अठारह दो सौ तीन सौ रेंज आती है बेचना है लेने का मन है सत्रह सात सौ सत्रह आठ सौ तो बीच में आप अपनी मर्जी आए जो करो अच्छा ठीक है हाँ। वो हाँ। है। देखो थोड़ा मन हाँ। तो आपको ही बनाना पड़ेगा हाँ। कि मुझे ट्रेड कैसे कर करना है राइट क्योंकि मार्केट ऐसे ही है अगर क्लियर डायरेक्शन है तो बहुत अच्छी बात है कि अठारह हजार से अठारह दो सौ पहले जा रहा है सत्रह आठ सौ पहले आ रहा है उन नहीं पता करेक्ट सो इसलिए और एफ आई आज बेचने दो दिन पहले तो ये लेने के मूड में आ गए थे बिल्कुल कल वापस इतना बेचेंगे नहीं बेचेंगे पता नहीं है ना इनका भी तो मूड स्टेबल नहीं है करेक्ट जिन चीजों से आप संकेत लेना चाहते हो हुँ. उस अब आप देखो कल की एक दिन की गिरावट में दीप पुटकोल रेशो आप देखिए एकदम हल्का हो गया आज वीकली एक्सपायरी के दिन इससे हल्के बाजार आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते एफ की इंडेक्स लॉन्ग पोजिशन कितनी बची है छत्तीस परसेंट पुटकोल रेशो निफ्टी पॉइंट सेवन टूट सो आप खराब हुए लेकिन खराब होने के साथ दो अच्छी चीजें भी आपके हो गई बिल्कुल हो गई कि भाई बेच के कितना जीरो थोड़ी कर देंगे करेक्ट सर छत्तीस परसेंट पे आ गए इंडेक्स इंडेक्स लॉन्ग पे और पुट पुटकोले तो नीचे आपको सपोर्ट भी मिलेगा yes. so, ये रेंज में वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट क्योंकि किसी भी तरह के ट्रेडर का रिटेल ट्रेडर का भी मन क्लियर नहीं है नहीं लेना है कि देना है जैसे ऊपर आते देते तो नहीं नहीं रखते हैं वापस भाव तो आता ही है जिससे तो ठीक था एफ आई भी दो दिन पहले ऐसा लगता है कि खरीदने वाले दो दिन बाद ऐसा खाली एक डोमेस्टिक फंड है जो बेचारे स्टेबल छोटा छोटा अपने हिसाब से थोड़ा 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 लेते रहते हैं बाकी तो किसी का दिमाग स्टेबल ही नहीं है न एफ आई एस का न रिटेल का है सर तो जब नहीं है स्टेबल तो जैसा है मार्केट वैसा है अप्रोच करो क्यों ज्यादा ओवर एनालिसिस करने का है सही बात है ठीक है सर अंडरस्टूड